हे गाइस, आज हो गई है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती, और कल हमने ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट दिया था। आज उसके रॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए हैं वो, एंड इंग्लिश का एक देख लेंगे, इम्प्रूव इंग्लिश का एक लेक्चर कि कैसे मैं इंग्लिश को अटेम्प्ट करता हूँ और उसकी जनरल थ्योरी क्या है, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, सो मेरा स्कोर था 320 का, अच्छा खासा था, एंड 89.3 की मेरी परसेंटाइल बनी है। मैथ्स में मेरी जो है वो एक गलती हुई थी, 2 क्वेश्चन मुझसे हुए नहीं। रीजनिंग में 2 गलतियां मैंने की, इंग्लिश में 5 गलतियां की, और जीके में भी 5 गलतियां की। ठीक है, सो ये सब था। अभी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। अगर आपने ये टेस्ट नहीं देखा है कि मैंने अटेम्प्ट कैसे किया था, तो जाके देख लो इसकी वीडियो। सो पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। सो रीजनिंग ये क्वेश्चन मैंने गलत किया। देखो अभी यहाँ पे क्या था ना, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में, कन्फ्यूजन ये है कि इसका आंसर जो है वो आना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर। लेकिन आप एक बात समझो, सेकंड वाले में क्या बोल रखा है, सेकंड वाले बोल रखा है ओनली 3 पर्सन आर टॉलर देन डी। ठीक है, 3 पर्सन आर टॉलर देन डी, यानी कि डी है ना, डी से 1, 2, 3 पर्सन टॉलर है। सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, यानी कि यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट पर्सन आएगा, सी तो नहीं है, तो सी यहाँ कहीं पे है। ठीक है, इस तरफ में ए इज शॉर्टर देन ई बट नॉट टॉलर देन सी, सी से टॉलर नहीं है यानी कि सी से छोटा है। ठीक है, शॉर्टर देन ई बट नॉट टॉलर, बट टॉलर देन सी। ओके, सो ए जो है वो सी से तो टॉलर है लेकिन ए से शॉर्टर है, यानी कि ई से शॉर्टर है, यानी ई यहाँ पे, ए यहाँ पे और सी यहाँ पे, ये तीनों हो गए। डी यहाँ पे बच गया, कौन बच गया, एक बी, तो बी शॉर्टेस्ट हो गया। इसने पूछा था सेकंड टॉलेस्ट पर्सन कौन है, तो ए जो वो सेकंड टॉलेस्ट है, और हम सिर्फ सेकंड जो स्टेटमेंट है उसी से बता पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसीलिए ओनली सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट थी इसके लिए। ये इजी था लेकिन उस टाइम पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं, मतलब ओनली सेकंड से मैंने निकाल के देखा नहीं, देखा होता तो ये ठीक हो जाता। ठीक है, उसके बाद 10th को देखो, यहाँ पे भी दिक्कत थी। अब यहाँ पे इसने तीनों के तीनों केस दे दिए हैं। देखो जी या तो ग्रेटर देन ओ होगा, अब जी में और ओ में डायरेक्ट रिलेशन तो कोई दे नहीं रखा है, या तो जी ग्रेटर देन ओ होगा या फिर जी लेस देन होगा या इक्वल टू होगा ओके, तो सारे के सारे केस आ गए, यानी दोनों में से कोई भी एक जो है वो ट्रू होना था। इसमें भी जो ओ था ना, मतलब ओ और जी की पोजिशन मैंने ध्यान से देखी नहीं, यहाँ पे जी ओ देखा, यहाँ पे भी जी और ओ मान लिया, इसलिए थोड़ी गलती हो गई मेरे से, वरना रीजनिंग में 90 आ सकते थे। ठीक है, वैसे 90 किसी के शायद आए नहीं है मेरे ख्याल से, तो सबने गलती किया है इसको। सो अभी मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ। इस क्वेश्चन में होना क्या था, होना ये था कि ना, ये क्वेश्चन तो मैंने बस ऐसे ही तुक्का मारा था, ये क्वेश्चन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा इसको करना कैसे। ठीक है, सो ये मैंने, ये मान लो कि तुक्का ऐसे मार दिया था कि यहाँ पे 12 था, मुझे लगा कोई 6 का आएगा, मतलब 6 का मल्टीपल आएगा, तो मैंने 18 लगा दिया था और ऐसा करके खत्म कर दिया क्वेश्चन को। 14वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है इसकी सर्क्यूलर रेडियस निकालनी थी। मैं क्या कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि जो एरिया था, एरिया को मैं सेमी पैरामीटर से डिवाइड कर रहा था, लेकिन वो इन रेडियस होता है। ठीक है, मेरी थ्योरी अभी भी पूरी क्लियर नहीं है इस मामले में। बाद में जब मैंने जाके और थ्योरी में देखा, तो होता ये है कि जो क्या नाम है, 3 साइड हैं, उन तीनों की गुणा बटे में 4 ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया जैसे कि इनकी जो गुणा अगर करते हैं ना हम, तो वो करते हैं 16 × 30 × 34 और इसके बटे में 4 ऑफ एरिया, तो इनका एरिया मेरे ख्याल से सेमी पैरामीटर 40 आता है। ठीक है, 40 आता है, सो अंडर द रूट ऑफ 40 गुणा, ये बच गया कितना, 10, ये बच गया 6 और ये बच गया 24। ठीक है, और यहाँ पे 4 था, तो 4 से तो 16 काट लेंगे 4 पे, इसको देख लेते हैं, 400 यानी कि 20 बाहर आ गया, और 6 6 4 यानी कि 12 और बाहर आ गया। ठीक है, 12 × 20 और ऊपर है 4 × 30 × 34, सो ये कट जाएगा, ये 2 पे, ये 3 पे, और ये 3 × 12 से ये 12, और 2 से ये 34 गया 17 पे। सो इसका आंसर जो है वो 17 सेंटीमीटर आना था, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन का आंसर निकला नहीं, क्योंकि मैं निकाल तो इन रेडियस रहा था और सर्क्यूम रेडियस बताना था मेरे को। सो ये गलत हो गया,
कोई बात नहीं, चलता रहता है। थ्योरी मुझे पूरी नहीं आती है तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मान के चलनी थी चीज़ें, लेकिन खैर मैं नहीं कर पाया इसको टाइम पे, और 248 यानी कि लगभग 4 मिनट लगाने के बाद भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बना। सो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी इन क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हमारी इंग्लिश की, इंग्लिश में गलतियाँ क्या थी। इंग्लिश में गलतियाँ थी, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं इनएफेबल और इनटेंजिबल के बीच में कन्फ्यूज था, मैंने इनटेंजिबल लगाया, ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसका बात करेंगे कैसे होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ये वाला डाइवर्सिटी आना था, मैंने हिस्ट्री लगाया था। एंड 23rd रॉकस है, इसका रेपेशियस नहीं होना था, रॉकस आंसर होना था। उसके बाद में 24th ऑफ एंड रनिंग का मतलब होता है मेकिंग गुड प्रोग्रेस, इंटरमीडियंटली नहीं होता है, ठीक है। सो ये 5 गलतियाँ हुई। अब जीके में देखते हैं, टोटल फोर्स में इसमें और इसमें मैं कन्फ्यूज था सीरियसली। मुझे लगा कि कॉन्टैक्ट एरिया अगर कम करते हैं तो जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, और होता भी है, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या मतलब, ये मोर सुटेबल होगा इसलिए दिया होगा कि नॉर्मल फोर्स को अगर उनके बीच में कम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते ही इसलिए हैं ताकि नॉर्मल फोर्स को कम किया जाए, फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है ना। इसका मैंने लगाया नहीं, इसका एयरबस होगा शायद, ठीक है। 10वें का इंडिया कौन सा, कितने सालों बाद, 41 सालों बाद, ठीक है। अब 13वें का, इसमें शायद अमर्त्य सेन और बीना अग्रवाल होंगे, ठीक है, रघुराम राजन तो नहीं थे इसके मेंबर। उसके बाद 16वां, ये कोरिओलिस फोर्स वाला मेरा गलत हो गया, मैंने बस एक तरह से तुक्का ही मारा था, सोचिए कि इक्वेटर पे जीरो होता है, लेकिन इक्वेटर पे जीरो नहीं होता है वो, ठीक है। इक्वेटर पे नहीं, इनकरेक्ट बतानी थी, इक्वेटर पे मैंने ये सोचा कि इक्वेटर पे वो हाईएस्ट होता है, लेकिन वो इक्वेटर पे जीरो ही होता है, यानी कि ये करेक्ट वो थी, मेरे को इनकरेक्ट बतानी थी। सो पहले वाली गलत है यार, पहले वाली ये रेगुलर में नहीं होता, रेगुलर पैटर्न में नहीं है, बहुत डिफ्लेक्शन है। 17वें में कोई भी नहीं आने वाला था, ठीक है, ये तो पहला तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। ये दूसरे में मुझे ये था कि फरवरी से अगस्त के बीच में, जैसे हमारे यहाँ मई जून में मानसून आती है, तो उस पीरियड को ले लिया होगा इसने, लेकिन ये शायद थोड़े और प्रिसाइज हो गए होंगे, मई से लेकर उन्होंने सितंबर तक कर दिया होगा या अक्टूबर तक कर दिया होगा। सो मे बी, कुछ भी हो सकता है, इनका कोई भरोसा नहीं है कैसे देंगे ये। 22वां, श्रीरंगपट्टनम, ये कावेरी नदी पे है, श्रावती पे नहीं है, इसको बस याद करना पड़ेगा। इंडियन ओरिजिन, चेतना मरूस ने क्या लिखा है, स्टडी अदर रीडन, वेस्टर्न लेन नाम की एक बुक लिखी है, नॉवल लिखी है, जिसको बुकर प्राइज 2023 मिला है, तो पढ़ लेंगे इसको, वेस्टर्न लेन याद कर लेंगे पेपर के लिए। ए एंड बी, तो मुझे लगा था कि 105 तक ही कॉन्स्टिट्यूशन गए हैं अमेंडमेंट, लेकिन एक्चुअली में अमेंडमेंट जो है वो 128 तक जा चुके हैं। 114वां अमेंडमेंट जो है वो कोर्ट के जजेस की एज को 62 से बढ़ा के 65 कर देता है, ठीक है, और अभी जो एज है वो 65 साल हो गई है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट, जो कि कंप्यूटर है। खैर कंप्यूटर इतना ज़रूरी नहीं, अब हम अपनी बात करते हैं इंग्लिश की, जो हमें देखना है, ठीक है। सो इसमें तो वकैब था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे। इनका मतलब होता है, मतलब इनका मतलब वो होता है जो वर्ड होगा ना और इन लगा दे तो वो नोट में तब्दील हो जाता है, ठीक है, इन में, इनका मतलब नोट चला जाता है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि जब यहाँ वर्ड्स टाइम वाले हों, फॉर एग्जाम्पल वैन हो या फिर वाइल हो, ठीक है, या फिर एज हो, एज सून एज हो, ठीक है, तो जब ये टाइम वाले वर्ड हों तो जो यहाँ पे टेंस है वो बदलेगा नहीं, इसके हिसाब से वो बदलेगा नहीं, ठीक है, वो ऐसा कैसा रहेगा। तो इसमें ऐसा कैसा रखना था हमको दोनों जगह, इसलिए ये ठीक होता था और ये गलत हो गया, मैंने हेड लगा दिया दोनों में। उस टाइम तक मुझे इतना ये इस चीज़ का इतना ध्यान नहीं रहा कि एज है यहाँ पे, अगर वैन होता तो मैं बिल्कुल लगा देता, बाद में पता लगता है देखने से कि यार एज भी तो टाइम को इंडिकेट करता है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये तो सिंपल है, एशिया इज द लगा दिया तो लार्जेस्ट ये तो आएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री आएगी, अनयूज नहीं हो सकता, स्मॉलर नहीं हो सकता, राइप भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या सोच के लगाया, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख रखा है इट ऑल्सो हैज अ रिच एंड वेरीड, वेरीड यानी भिन्न, और डाइवर्सिटी का मतलब भी होता है भिन्नता, तो मुझे लगा कि ये ड्यूअल वर्ड्स हो जाएंगे इसलिए डाइवर्सिटी नहीं आएगा,
क्लाइमेट का सवाल ही नहीं होता ना इकोनॉमी का सवाल होता है यहाँ पे, कोई है ही नहीं। हिस्ट्री या डाइवर्सिटी में से दो में से एक आना था। सो वेरीड हिस्ट्री लगाया मैंने कि डिफरेंट लैंग्वेजेस की, रिलीजन्स की, कल्चर्स की, ट्रेडिशंस की एक 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 रिच, एक मजबूत हिस्ट्री है, तो मैंने हिस्ट्री लगाया। लेकिन यहाँ डाइवर्सिटी होना था, ठीक है, वेरीड डाइवर्सिटी। हालांकि इन्होंने दो वर्ड एक साथ दे दिए सेम सेंस के, लेकिन चलो जिस तरह कर रहे हैं फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब तो ये भी इजी था, सी सी में आ रहा है, ये हैज इट्स ओन डैश आइडेंटिटीज आएगा, रिसोर्सेज नहीं आएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं, गुण, तो आइडेंटिटीज भी जो है वो गुणों से रिलेटेड है, चैलेंजेस नहीं, ड्रॉबैक्स नहीं, रिसोर्सेज नहीं, ठीक है। ये इजी था, कोई भी बंदा अगर थोड़ी भी सेंस रखता है सेंटेंसेस की तो वो इसको कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी देखो, इल्से इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स डैश अचीवमेंट इन साइंस। अब साइंस टेक्नोलॉजी की बात है तो भाई मॉडर्न चीजें ही आएंगी, ऑब्सोलीट यानी व्यर्थ या जो अब चलन में ना हो, फैशन में ना हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। फ्यूचर एडवांस अचीवमेंट्स तो है नहीं कुछ, लेटर अचीवमेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ देना चाहिए उसके लिए, लेटर अचीवमेंट्स इन 90s या फिर 80s ऐसा कुछ देके तब आता, लेकिन फिलहाल ये लेटर नहीं आएगा, मॉडर्न आएगा, सो लगा दिया था इसको। नेक्स्ट चलते हैं अभी इनकरेक्ट देखना तो क्रेडेंस है जो ये गलत है, बिलीव ठीक है, एक्सक्लूसिव ठीक है, बिलीव भी ठीक है। क्रेडेंस की स्पेलिंग मैंने नहीं चेक की, मे बी सी आर ई डी ई एन होगा, ठीक है, डी एन सी ई, तो मैंने स्पेलिंग नहीं चेक की है, लेकिन मुझे ये पता था कि ये गलत है, इसलिए मैंने 11 सेकंड में लगाया, क्योंकि बाकी अगर ठीक दिखते हैं ना, जिस पे शक है उसको लगा दो, वही होगा फिर तो। मंडेन का बैनल ठीक हो गया, ये पता नहीं कैसे हुआ, मुझे मंडेन का मीनिंग नहीं पता, मुझे बैनल का मीनिंग नहीं पता, मुझे सपोर्टिव का पता है, इंजीनियस का पता है, मुझे मैलेफिसेंट का मतलब पता है, पर मुझे ना तो मंडेन का पता ना बैनल का पता, इसलिए मैंने इसको लगाया था और ये ठीक निकल गया मेरा, तुक्का था ये, तुक्का ठीक हो गया। ओके, पास्ट ईयर्स इंडियन टीम क्या नहीं कर पाई है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ये देखो अभी, ये रहा, फॉर ऑल ऑफ इंडियाज इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंसेज इन रीसेंट ईयर्स इन द वुमेन्स गेम, अ मेजर सीनियर ट्रॉफी और मेडल हैज बीन इलूसिव। एक ट्रॉफी देखना नसीब में नहीं है, ठीक है, हालांकि इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस दिखी है कुछ पिछले सालों में, लेकिन एक सीनियर, एक बड़ी सीनियर ट्रॉफी नहीं मिली है, ठीक है। सो हैड नॉट बीन एबल टू विन अ हायर रैंकिंग ट्रॉफी, यही आएगा, बाकी और कोई लाइन है नहीं, ठीक है, रिलेटेड। बस आपको यह है कि यहाँ की लाइन और यहाँ की लाइन हल्की फुल्की तोड़ मरोड़ के पेश कर रखी है, आपको सेंटेंसेस का सेंस अगर समझ में आता है तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखो अभी, इंडिया बांग्लादेश इंडिया विल बी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एक दे रखा होगा, ये रहा, इंडियाज पोटेंशियल सेमीफाइनल विल बी अगेंस्ट बांग्लादेश एंड दैट एज वॉज रिसेंटली सीन इन द बायलेटरल सीरीज विल नॉट बी इजी। इजी नहीं होगा तो क्या होगा, डिफिकल्टी होगा ना, इजी नहीं होगा तो। सो सिंपल था ये भी। फोर्थ कमिंग एशियन गेम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड चाइना, यहाँ पे तो दिखा हुआ है, ऑलरेडी लिख रखा है, ये रहा, हैंगझोउ चाइना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, क्वेश्चनेबल का मतलब होता है जिस पे सवाल उठाया जा सके, इसका एंटोनिम बताना था, तो अनडिनाइएबल, जिसको नकारा ना जा सके, ठीक है। क्वेश्चनेबल होता है जिस पे शक किया जाए, और अनडिनाइएबल जिस पे जिसको नकारा ना जा सके, मतलब कोई शक ना किया जाए, कोई सवाल ना उठाया जाए जिसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसमें था, पहले इसने बंदे की बात कर रखी है कि भाई दे आर ट्रीटेड एज सेकंड बेस्ट, अगर किसी बंदे को हम सर्वोत्तम नहीं मानते हैं तो उसके लिए क्या कुछ खतरनाक हो सकता है। फिर यहाँ पे रिसर्च बताती है कि एक अर्ली एज में अगर चाइल्ड डिफरेंट ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर है, उसको पता है कि उसके पेरेंट कैसी कैसी, मतलब कैसी हरकतें कर रहे हैं, हरकतें मतलब एक सिबलिंग के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, एक सिबलिंग को ज्यादा प्यार दे रहे हैं, तो सच परसीव्ड पोटेंशियल फेवरेटिज्म, तो ये पेरेंटल, ये माँ बाप का जो फेवरेटिज्म है, ये लो सेल्फ एस्टीम पैदा करता है बच्चों में, तो ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं वो रिलेटेड हैं आपस में, ठीक है। और यहाँ पे भी सेकंड बेस्ट वाली बात कर रखी है, यानी कि तीनों लाइन आपस में रिलेटेड है। उसके बाद में जो है एस फोर, देयर मे बी नॉक ऑफ इफेक्ट ऑन इमोशनल वेल बीइंग दैट कॉसेस अदर मोर इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद में मोर इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स की बात कर रखी है, ठीक है। सो ये भी रिलेटेड है, क्यू और आर, इसको मैंने काफी कम टाइम में किया था, आई थिंक
मैंने इसको 68 सेकंड में किया था, ठीक है, बाकियों ने 113 लगाए, लगभग डबल लगाया था, लेकिन ये काफ़ी जल्दी हो गया था। क्यों? इसी वजह से हो गया क्योंकि सेंटेंसेस बिल्कुल दिख रहे थे कि ये सिमिलर सेंस के हैं। उसके बाद देखो, अभी इसमें तो क्या करना है, वाइल प्लेइंग वन ऑफ देम, वन ऑफ हुम, किन में से दो, किन में से एक, तो हमें वो किन में से देखना है। टू लिटल बॉयज है, यानी कि दो बच्चे, तो यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, दो बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद खेलते समय उनमें से एक ने ग्राउंड पे एक नट देखा। उसके बाद क्या हुआ, जब तक वो उसे उठाता दूसरा बंदा आ गया, उसने ले लिया और वो लड़ाई करने लगे। उसके बाद में चौथा बंदा आया, मतलब कोई तीसरा बंदा आया, एक लंबा लड़का, और उसने नट को खुद रख लिया और उनका झगड़ा सुलझा दिया, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस बनेगा, ये तो स्टोरी की तरह है, कोई भी बना सकता है इस सीक्वेंस को, ईजी था। उसके बाद ये भी ईजी था, ठीक है, इसमें भी, इसमें कोई और इट है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे इट है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ट्रांसप्लांटेशन इज एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट, ठीक है, यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, उसके बाद में आगे बढ़ जाएगा, इजी था। मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ में डाउट था, बी और सी में, कि बी पहले आएगा कि सी पहले आएगा, लेकिन ठीक चल गया। तुक्का भी मान सकते हो, या फिर थोड़ा ये मान लो कि मुझे अपनी सेंस पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा था कि हाँ ऐसा होगा, तो मैंने इसको लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट, द पायलट सेड दैट द प्लेन टुक ऑफ। देखो अभी यहाँ पे सेड है, सेड दैट के बाद प्लेन टुक ऑफ है, यहाँ पे टुक ऑफ है, ठीक है। अगर हैड टेकन ऑफ होता ना, तो हम यहाँ पे प्लेन टुक ऑफ लगाते, यहाँ पे सिंपल टुक ऑफ है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको हम प्रेजेंट बनाएंगे, ठीक है। सो प्रेजेंट यहाँ पे है, टेक्स ऑफ, यहाँ पे हैज टेकन है, प्रेजेंट ये प्रेजेंट परफेक्ट ये नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। सो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे फ्यूचर है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा, तो एक ही बचता है, उसी को लगा दो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, एथेनियंस वर अवेयर। अभी यहाँ पे क्या करना, सिनोनिम देखना है, आप यहाँ पे जाओ तो जाओ, ठीक है, नहीं तो यहाँ से ही देख लो। अवेयर, अवेयर यानी जागरूक होना, इनकम्पिटेंट यानी कि उतना योग्य नहीं होना, ठीक है, अयोग्य होना। अयोग्य और जागरूक एक जैसा नहीं होता है। रिस्क और डिसीजन, जोखिम और फैसला, ये भी एक जैसा नहीं होता है। हैंडलिंग और इंश्योरिंग, किसी चीज को हैंडल करना और किसी चीज का आश्वासन देना, ये भी एक नहीं है। मिटिगेटेड कम करना, एलेड ये भी कम करना, ठीक है। सो ये बनता था सिनोनिम आपस में, इसलिए इसको लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलो, अभी कोई स्पेलिंग एरर जिसमें ना हो। अभी यहाँ पे स्पेलिंग एरर देखो कौन कौन सा है। पहले वाले में है रिटर्न का, ठीक है, बहुत लोग ध्यान नहीं देंगे, एन ई डी होना चाहिए। दूसरे में क्या है, बिकरिंग, जब भी ऐसा कुछ आए ना, बिकरिंग, तो के ई आर आई एन जी होता है कहीं भी, जैसे लिकरिंग, मान ले लिकरिंग कोई वर्ड होता होगा, मुझे नहीं पता होता भी है कि नहीं, लेकिन जब ऐसा आए ना तो कर रिंग आता है, ई आर आता है, ठीक है ना। सो सिंपल नहीं आता, ई आर करके आता है। तीसरे वाले में क्या गलती है, कंसाइंस की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, कंसाइंस की स्पेलिंग गलत है ना, कंसाइंस नहीं, एंजॉयड की स्पेलिंग, एंजॉइंड की स्पेलिंग गलत है, ही वाज एंजॉइंड, एंजॉयड हो सकता है, ठीक है, एंजॉइंड, एंजॉइंड भी होता होगा वैसे तो, लेकिन मतलब मिस्टेक तो है इसमें, एस सी आई ई एन सी ई होना चाहिए, तो कंसाइंस की स्पेलिंग गलत है, और एंजॉइंड की जगह शायद एंजॉयड आना चाहिए था। जो भी हो, हमको चौथा मिल गया अपना, इसमें सबका सब ठीक है, छोटा सा सेंटेंस था और सारी चीजें सिंपल थी, और जो स्पेलिंग है वो भी ईजी वाली थी, तो स्पेलिंग देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये ठीक है, इसको लगाओ आगे बढ़ जाओ, बस ज़्यादा कोई सोच विचार करना नहीं है। हाँ, एक बात है कि आप अपने पेपर को ज़रूर एनालाइज करिए अच्छे से, ताकि आपको पता लगे कि आप सोचते क्या हो पेपर करते टाइम। अब ये तो ईजी था यार, जोज अंकल क्लोजेस कंपिटिटर कौन था, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे काफ़ी जगह लिख रखा है, ये रहा डेटमिन टीनेजर, ठीक है, ये रहा नेक टू नेक विद डेटमिन टीनेजर, तो डेटमिन टीनेजर लगाओ आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट चलो, अभी तो क्या ट्रू है, तो क्या ट्रू नहीं है, तो देखो यार, डल और क्वाइट नहीं थी पिकनिक, पिकनिक क्या थी, पिकनिक थी वाज इन अ फुल स्विंग में थी, यानी अच्छी खासी बढ़िया तरोताजा एनर्जी से भरी हुई पिकनिक थी, ठीक है, ऐसे डल नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा, इसको तो देखते ही लगा सकते हैं हम लोग, 13 सेकंड में कर दिया था इसको तो। अभी देखो, टोन ऑफ पैसेज क्या है, जोवियल, खुशनुमा टोन है, खुशनुमा दिख रहा है भाई, हाँ एक पिकनिक थी, उस पर फिर पाई का एक कंपटीशन हुआ, अंकल जो ने पाई को जो है वो खाया, एक डेटमिन टीनेजर के साथ में उसका नेक टू नेक कंपटीशन था, ये वो, और सब लोग हंसने लगे, सब ने तालियां बजाई, ये वो,
तो सोवियल है थोड़ा, ठीक है, अच्छा ऐसा खुशनुमा लग रहा है, सरकास्टिक नहीं है, एथिकल नहीं है, ह्यूमनिस्टिक भी नहीं है, जोवियल जो है वो बेस्ट सेंस देता है इसकी। अभी देखो, थंडरस का मतलब होता है गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट, हम लोग जैसे बोलते हैं थंडरस क्लैपिंग। तो सोनोरस का मतलब होता है आवाज, सोन का मतलब होता है आवाज। फॉर एग्जाम्पल, सोनार अगर कोई है, कोई डिवाइस, तो उसका मतलब होता है आवाज से चीजों को भापने वाली चीज, ठीक है। सो सोन का मतलब आवाज होता है, आप ये देख लो बस। टेस्टलेस नहीं होता, सिंपल नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, सोनोरस इसका मीनिंग था। 8 सेकंड लगाई थी मैंने इसमें, ज्यादा टाइम लगा नहीं था। रफ एंड अनप्लेजेंट साउंड को रॉकस बोलते हैं, मैंने रेपेशियस लगाया था, सो ये मेरा गलत हो गया था, ठीक है, मैंने तुक्का मारा था। ये दो का तो मेरे को पता था, वेनमस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। फेरोशियस का भी थोड़ा बहुत मुझे लगता था कि ये लड़ाई झगड़े से संबंधित या एक क्या बोलते हैं उसको, भयानक रूप से संबंधित चीज होगी कुछ ऐसा, हालांकि मुझे इसका असली मीनिंग नहीं पता अभी भी, लेकिन ठीक है, रॉकस है, याद कर लेंगे। कुछ इन वर्ड्स को भी बाद में देख लेंगे हम लोग, इनका मीनिंग क्या क्या होता है। ऑफ एंड रनिंग का मतलब था मेकिंग गुड डिश प्रोग्रेस, जो कि अभी हम कर रहे हैं, वी आर ऑफ एंड रनिंग, लेकिन मैंने इंटरमिटेंटली लगाया जो कि गलत हो गया, ठीक है, सुधार लेंगे इसको आगे चल के। दिस इज बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग फॉर इंडिया, सो ये जेवल ऑफ द क्राउन है, ये हमारे ताज में क्या है, ताज का हीरा है ये, ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता था, बहुत ईजी था। इनकरेक्टली स्पेल्ट बताना, तो एनी ही लेट होता है, ANNIHI, ठीक है, एनी ही लेट। शी हैड टू राइट, अब अबाउट द एंशंट राइट, यहां पे ये वाला राइट क्यों आया, तो इस राइट का मतलब होता है जो रिचुअल्स होते हैं ना वो, यानी कि क्या बोलते हैं, रिवाज बोल दो, ठीक है, इस राइट का मतलब होता है रिवाज, तो मैंने ये लगाया था, मैंने ये कहीं पे पढ़ा था इसलिए मुझे ये ध्यान था। इफ यू आर गोइंग टू द मॉल, कैन आई कम टू, मतलब मैं भी आ सकता हूं क्या, सो यही वाला टू आएगा, ये टू नहीं होगा, ये टो नहीं होगा, ये टू भी नहीं होगा, सो यही बचता बस एक। नेक्स्ट चलते हैं। Emma was very worried about her son going to kindergarten because he has a dash to misbehave. उसका क्या है? उसकी एक प्रवृत्ति है, उसकी एक आदत है। तो देखो अभी, hatred नहीं आएगा, नफरत, ठीक है, lucid भी नहीं आएगा, lucid यानी आसानी से हो जाने वाली चीजें, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि we have a lucid flow, एक अच्छा flow बना हुआ है, मतलब things are lucid to understand, आसान है चीजें समझने में, तो lucid का मतलब ये होता है। सररियल का मेरे को मीनिंग नहीं पता, प्रोक्लिविटी मुझे लगा था कि ये तो होंगे नहीं, सररियल ऐसा है नहीं, ठीक है, सररियल वैसे भी क्या है कि मतलब सररियल जो है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, अगर यहाँ पे ये वाई वाला होगा ना, वाई वाला होगा, जैसे हेट्रेड है, ही हैज अ हेट्रेड टू मिसबिहेव, तो सररियल तो मे बी यहाँ पे बैठे ही ना, प्रोक्लिविटी मुझे लगा, मैंने लगा दिया, ये एक तरह से तुक्का था मेरा, लेकिन तुक्का था ऐसा कि 70% तक मैं श्योर था इसमें। A little neglect may breed great mischief. एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करवा सकती है, या बड़ी जो है वो ठीक डीठ बना सकती है बच्चे को, ऐसा मान लो, कुछ भी मान लो, तो neglect आएगा, cherish या dazzled या abandoned, कुछ नहीं, abandoned और cherish या dazzled तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो word है ये उसमें दे रखे हैं, past participle में दे रखे हैं, चेरिस हो सकता है, नेगलेक्ट हो सकता है, तो नेगलेक्ट जो है वो बेस्ट सेंस देता है, इसलिए इसको लगाया मैंने। यू शुड नॉट क्रॉस द रोड, तो स्पीड लिमिट शुड नॉट बी क्रॉस बाय यू, यू शुड नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट, तो सीधी सी बात है, जब शुड नॉट क्रॉस है तो शुड नॉट बी क्रॉस्ड होगा, ठीक है, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईजी था ये। शुड नॉट बी क्रॉस्ड बाय मी तो नहीं होगा, यू है यहाँ पे, ठीक है, अस भी नहीं होगा, ये हो सकता है, बट शैल नहीं आएगा, शुड आएगा, ठीक है, So, इसलिए ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कोई किसी की गलती होनी चाहिए नहीं। एंटोनिम बताना है किसका, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यानी लंबी चलने वाली, पेरिशेबल यानी जल्दी खत्म हो जाने वाली, टूट जाने वाली चीजें, ठीक है, नष्ट हो जाने वाली, ये मान के चलो। सो यहाँ पे ये बेस्ट सेंस देता है। नेक्स्ट चलो, अभी एक्टिव वॉइस बताना कौन सा है, तो यही है, देखो बाई आ रहा है, बींग सोल्ड बाई यहाँ पे आ रहा है, हैंडल्ड बाई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बाई नहीं है, इसको लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो, I don't have a special dash that will dramatically change your life. तो routine की spelling ये होती है, ये तो जो spelling है ना ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि इनका कोई ऐसा मैं मंत्र बता दूं कि नहीं नहीं ऐसा देख लेना और spelling ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी।
आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस केरला, इसका रिजेम्बलेंस किससे है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, मेरे ख्याल से होगा यहाँ पे एक, यार मैंने लाइन पढ़ी थी, ये रहा, अ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी बिटवीन द आउटब्रेक्स ऑफ 2018 एंड 2023 इज द रोल ऑफ हॉस्पिटल्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। तो हॉस्पिटल्स का रोल है 2018 और 19 में, इसका मतलब 2018 में क्या आया था, निपा वायरस, नहीं निपा नहीं, इसमें बात ही नहीं कर रखी वैसे 2018 में और 23 में क्या था, ठीक है, हमको सिर्फ ये बताना 2018 और 23 के आउटब्रेक में रिजेम्बलेंस क्या है। तो हॉस्पिटल्स की जो मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स आर इन्फेक्टेड इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स का जो रोल रहा है इस निपा वायरस को फैलाने में, उसकी बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी, सेल सेंटर, यहाँ पे कॉल सेंटर दे रखा था, यहाँ पे सेल सेंटर दे रखा है, ये लोग भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये रहा, यहाँ पे देखो कॉल सेंटर है, यहाँ पे सेल सेंटर लिखा हुआ है। तो क्या कर रखा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए, जो कि क्वारंटीन में बंदे हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए ये कॉल सेंटर था। तो किस लिए था, इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, और किसी काम के लिए नहीं। अभी आप ध्यान दे रहे होंगे पिछले कुछ मॉक्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसमें हल्की फुल्की तब्दीली करके यहाँ पे लिखते हैं, वरना तो लगभग सिमिलर ही लिखते थे, अभी से थोड़ी चेंज होने लगी है ये, इसको ध्यान रखना, आपको सेंटेंस की सेंस पता होनी चाहिए तभी आप जवाब दे पाओगे। इबोला वायरस सब सहारन अफ्रीका में हुआ है, यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा, विच हैज बीन रिपोर्टेड मेनली इन सब सहारन अफ्रीका, ठीक है, इबोला। नेक्स्ट चलते हैं, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज का फैल जाना, और किसी किस चीज का, कोई ना कोई बुरी चीज, मतलब कोई ऐसी सुखद ना हो जो चीज, वो फॉर एग्जाम्पल किसी डिजीज का आउटब्रेक होता है, ठीक है, किसी अच्छी खबर की आउटब्रेकिंग नहीं होती है। दे वर रीयूनाइटेड आफ्टर सेपरेशन ऑफ मोर देन 20 ईयर्स, तो ये तो आसान था, मोर लगाओ बस। एट द पार्टी इट वॉज सो नोइजी दैट वी कुड नॉट हियर, जब यहां पे आ जाए हेल्पिंग वर्ब मॉडल आ जाए, तो मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए कुड नॉट हियर आएगा। नेक्स्ट, एट फर्स्ट आई थॉट नो वन वाज देयर, तो यहां पे वाज आएगा, इसलिए मैंने वर वाला जो है वो गलत कर दिया, मतलब उसको लगाया मैंने क्योंकि वो गलत था। रिया स्टार्टेड जंपिंग विद एक्साइटमेंट एज सून एज, तो ये तो इजी था, जैसे ही उसने एग्जाम पास किया ये खबर सुनी या उसको पता चला, वैसे ही एक्साइटमेंट से उछलने लगी। प्रिया प्लेस्ड द वेज थ्रू द टेबल, तो थ्रू द टेबल तो नहीं प्लेस की जाती है, कोई भी गमला हुआ कोई भी चीज हुई वो ऑन द टेबल रखी जाती है, तो ये तो क्या था, ये एक प्रीपोजिशन था और काफी अच्छी प्रीपोजिशन थी, बच्चे गलत कर सकते हैं इसको। डायमंड्स विल हैव बीन स्टोलन बाय रॉबर्स, तो विल हैव बीन अगर है ना तो विल हैव स्टोलन आएगा, विल हैव स्टोलन यहाँ पे है, यहाँ पे विल हैव बीन है ये गलत हो गया, हैड है गलत हो गया, हैव स्टोलन वुड है गलत हो गया, विल हैव स्टोलन आएगा, ठीक है। सो इजी था, मैली इसका मेरे को मतलब नहीं पता था, नहीं मतलब था मुझे, मुझे ये था कि जो मैल होता है ना, मैल एम ए एल मैल लगा देते हैं, उसका मतलब होता है कुछ ना कुछ बुरा होना, ठीक है, कुछ ना कुछ बुरा। फॉर एग्जाम्पल मैलवोलेंस का उल्टा होता है बेनवोलेंस, ठीक है, और मैलिफिसेंट का मतलब होता है मैलिफिसेंट यानी जो बुरा बुरी चीज लगे, जो जैसे हम जैसे मैलिफिसेंट का उल्टा क्या था, मैलिफिसेंट का उल्टा है यार एक, मैग्निफिसेंट है, जैसे मैग्निफिसेंट अच्छी और मैलिफिसेंट यानी जो बुरी हो, ठीक है, तो मैल का मतलब होता है बुरा, जैसे मैल फंक्शनड काम करना बंद कर जाना, ठीक है। और अगर वर्ड्स को भी आप देखोगे ना, एनिमोसिटी का मतलब होता है द्वेष या शत्रुता, ठीक है, वेंजेंस का मतलब बदला, ठीक है, ग्रज का मतलब ग्रज यानी किसी के प्रति बुरे बुरे ख्याल रखना, बुरी चीजें रखना, और बेनवोलेंस का मतलब होता है अच्छाई, तो इसका उल्टा एक ही बनता है, उसी को मैंने लगा दिया, सो काफी ठीक था ये। विलियम बेंटिक, अब ये क्या था, जीएस था, ठीक है, जीएस में आगे डिस्कस तो क्या ही करें, वैसे तुक्के की बात है, इसमें मैंने कैसे किया कि सुकुमार सेन को देख लिया, सुकुमार सेन ना तो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, ना ये क्या नाम है गवर्नर बने थे, ना ये वाइस रॉय बने थे, तो पहले इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, तो तीसरे का डी आएगा, तीसरे का डी इसमें है और इसमें है। उसके बाद मैंने देख लिया विलियम बेंटिक को, तो विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और यहाँ पे ए है यानी कि वो वाइस रॉय, तो विलियम बेंटिक जो है वो
अपने टाइम पे पहले गवर्नर जनरल बने थे वाइस रॉय, तो जो है वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। सो इजी था ये, इतना कोई मुश्किल नहीं था, हो गया था। और ये हम देख चुके हैं गलत जो हुआ था, इसमें मैंने तुक्का मारा था, ये ठीक हो गया। ये ठीक इसलिए हो गया क्योंकि जो रेसिस है ना, रेसिस में ज़्यादातर चीज़ें इटालियंस की ही होती हैं और ये इटालियन नेम है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद हल्दी घाटी का हमको पता है, अकबर और उसके महाराणा प्रताप के बीच में चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं, उन्होंने विक्रम संवत शुरू किया था शकास के ऊपर विजय प्राप्त करके, तो इजी था। ये मैंने किया नहीं था, इस पे मैंने अभी तुक्का मारा आपके सामने। अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको पता है, ठीक है, 1921 में ये किया था शायद उन्होंने, पता नहीं, हाँ 1916 में किया था, 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। तो वोल्गा रशिया की एक बड़ी रिवर है, पता है हमको, वोल्गा से गंगा एक उपन्यास है शायद राहुल संकृत्यायन का, उपन्यास नहीं संस्मरण है आई थिंक। तो कोई भी चीज पानी में डूबेगी या तैर जाएगी, ये बायंट फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बायंट फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो पानी जो है वो उस चीज पे लगाता है या वो चीज पानी पे लगाती है, ऐसा ही कुछ है, वो वस्तु के डेंसिटी और भार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो 1A 2C 3B ये ठीक हो गया, ठीक है, मैंने इसको लगा दिया। मैंने सोचा कि पहले तो आया होगा, क्या पहले इनकम टैक्स आया होगा, उसके बाद में जो है मतलब पहले वेल्थ टैक्स आया होगा, उसके बाद में इनकम टैक्स आया होगा, और उसके बाद में जाके कहीं फॉरेन एक्सचेंज आया होगा, उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ठीक है, ये सोच के मैंने बी लगाया। वरना जितनी भी डेट है ना तीसरे में, सारी की सारी मतलब पहले की डेट दे रखी है, ठीक है। ये आप परमार एसएससी की निट्टो सीरीज देखो, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि मैंने कैसे इसको कैसे मतलब इसमें तुक्का लगाया था, ठीक है। ये फिर मैंने तुक्का मारा है, मतलब यहाँ पे मारा है, पेपर में नहीं मारा था। इसको मैंने किया बिसु, तो बिसु जैसा जो नाम है ना वो उसका लग रहा है, मतलब ओडिशा की तरफ का नाम लग रहा है, जैसे कि महापात्रा, बिसु, बिस्वा, बिस्वा कल्याण रथ, जैसे एक एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो वो ओडिशा की तरफ के ही हैं, ओडिशा छत्तीसगढ़ के एरिया के, तो ये आप नाम से अंदाजा लगा सकते हो कौन कहाँ का हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये तो हमने अभी तुक्का मारा है, ये भी नहीं किया था, इसको हमको पता ही है, ठीक है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद में बने थे, और इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान, उसके बाद में बलबन आ गए थे, कुछ मतलब रजिया सुल्तान के तुरंत बाद नहीं आए थे, कुछ टाइम तक उनके भाई भुइयों ने राज किया था, उसके बाद में बलबन आ गए थे, ठीक है। गंगा रिवर गंगोत्री से निकलती है, हमको पता है, और ये हो गया हमारा गलत, ये भी हो गया हमारा गलत। आर्टिकल 19, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, हमको पता है। आर्टिकल 21 देता है लाइफ, 25 शायद देता है क्या बच्चों का, देता होगा कि बच्चों से श्रम नहीं करवाया जाएगा। 28 देता है रिलीजन से संबंधित कुछ ना कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये मैंने तुक्का मारा था, ये ठीक हो गया, अच्छी बात है ना। और देखो इलेक्ट्रॉन, कोई भी आयन है उसका अगर मास निकालना है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, उसके सेंटर में प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, तो सेंटर का वेट कितना है उससे डिपेंड करेगा कि उसका मास नंबर क्या है। तो 13 नंबर आ गया, मतलब 13 जो है वो आंसर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। वहीदा रहमान को मिला 2023 का, ये जो है मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के मिला है, और ये गलत कर दिया, कावेरी आएगा इसका। इंडियन ओरिजिन का वेस्टर्न लेन, ये हमने अभी तो कमा रहा है, ये मेरा गलत हो गया, दोनों के दोनों ठीक होने चाहिए थे। लेजर में क्या होगा, एमिशन ऑफ कोहरेंट फोटोन निकलेंगे, जो हीट जो है वो लेजर नहीं जनरेट करता है, ठीक है। लेजर क्या होता है, लेजर सिर्फ एक लाइट होती है, उसमें हीट नहीं निकलती, फोटोन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर लाइट हमको दिखेगी कैसे, वो वाली स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, ठीक है, उसमें एक ही कलर दिखाई देता है जिस कलर की वो लाइट होगी। तो एमिशन ऑफ कोहरेंट फोटोन दिखाई हमको पड़ते हैं, वो फोटोन निकलते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है। ये कंप्यूटर आ गया, खैर जो भी है, अभी आप देख लो एक बार स्कोर दोबारा से, उसके बाद हम बंद करते हैं वीडियो को। सो ये स्कोर था, और ये परसेंटेज थी 89 की, ठीक है। टाइम मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं 21 मिनट में रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूँ, और 40 मिनट लगाने के बाद भी मेरे 2 क्वेश्चन मैथ्स के हुए नहीं थे। सो स्कोर अच्छा था, परसेंटेज भी ठीक थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी मे बी टेस्ट नंबर 12 हो सकती है, या फिर टेस्ट नंबर 12 की मैं नॉर्मल एक टेस्ट की वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। मैं उसको अटेम्प्ट करते हुए नहीं डालूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक वीडियो एडिट करूँ।
सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।